हेलो फ्रेंड, जय माता की। आप सभी का मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमने नवरात्रि में जिन देवताओं का आह्वान किया था, विराजमान किया था, कलश देवता का स्थापना किया था, अब हम विसर्जन किस तरीके से करेंगे। हमारे ये जौ पैदा हुए हैं उसका हम क्या करेंगे, और जो हमारा कलश का जल है उसका हमें क्या करना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि कलश की स्थापना नवरात्रि में किस तरीके से करें, माता रानी का आह्वान और हवन किस तरीके से हम पूजा अर्चना करें, तो मैंने इसकी विस्तार से वीडियो अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और हमने जिन देवताओं का आह्वान किया था उनका हम विसर्जन किस तरीके से करेंगे, तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। देखिए, 9 दिन की पूजा के बाद हमारा व्रत पूरा हो गया है, हमने कन्या लांगुरा को भी जमा दिया है। अब हम विसर्जन किस तरीके से करेंगे। देखिए, जिस तरीके से कलश की स्थापना सही ढंग से होनी चाहिए और माता की पूजा भी सही ढंग से होनी चाहिए, उसी प्रकार से विसर्जन भी हमें सही ढंग से करना चाहिए, तभी हमको पूरा फल मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरेले की पूजा करेंगे। आप इसे जौ भी कह सकते हैं, हरेले कहीं पे हरेला, कहीं पे जौ या कहीं पे धान, जैसे भी बोलते हैं। तो स्नान आदि कराएंगे हम इनको, थोड़े से रोली चावल लगाएंगे और भोग प्रसाद इनको चढ़ाएंगे। इस तरीके से इनको हम सभी चीज़ें अर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। इस कलश में और हरेले में बहुत ही ज़्यादा मंत्रों की शक्ति होती है, क्योंकि 9 दिन पूजा होती है तो इसलिए इनमें शक्ति होती है और बहुत सारे देवताओं का विराजमान होते हैं इसमें, उनका आशीर्वाद होता है। तो सबसे पहले हम आशीर्वाद लेंगे और इस तरीके से हम चावल लेकर के, थोड़े से हरेले लेकर के हाथ में, और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हम उनको देंगे। वो अपनी अलमारी में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं या पुस्तक में रख सकते हैं। इस तरीके से हम माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। और जो भाई लोग दुकान करते हैं वो अपने गले में रख सकते हैं। माता बहनें अपनी अलमारी में, संदूक में, तिजोरी में इसको रखें प्रसाद स्वरूप, जिससे घर में बरकत होती है और कभी भी खजाना खाली नहीं होता है। इस तरीके से घर के सभी मेंबरों को, छोटे बड़े जो भी हों, सबको आप इस तरीके से इसको दीजिएगा और वो अपने जहाँ भी उनका जगह हो, जहाँ अलमारी हो, उसमें वो रख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस तरीके से हरेले की पूजा करने के बाद आप थोड़े से चावल लेकर के गच गच गच्छामी, गच गच गच्छामी ऐसे बोल सकते हैं, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा कि सभी देवता अपने अपने घर को जाएं, जहाँ से आप आए हैं वहाँ जाएं, और जब भी हमारे यहाँ मांगलिक कार्य होगा कोई भी, या कोई बड़ी पूजा होगी, तब हम आपको बुलाएंगे और आप समय समय पर आती रहना। और साथ के साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए गणेश जी महाराज से और लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी जी महारानी, आप हमारे यहाँ हमेशा हमेशा के लिए घर में और खजाने में विराजमान रहिए, हमारे संदूक में या जो आपका खजाना हो, तिजोरी हो, उसमें आप उनको विराजने के लिए कहिए। और गणेश जी को कहिए कि आप हमारे घर में रिद्धि सिद्धि सहित विराजें। और बाकी के जो देवता हैं वो अपने अपने जहाँ से आए हैं वहाँ विराजें, वहाँ जाएं, और हम उनको समय समय पर जब भी हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य होगा उनको बुलाएंगे, आह्वान करेंगे। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए सभी देवताओं को विदा कीजिएगा और लक्ष्मी जी और गणेश जी को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहने के लिए कहिए। अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम जो माता रानी को चढ़ा रहे हैं उसका क्या करें। देखिए, जो भी हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं या फिर भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, आप उसको घर में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। माता रानी को अर्पण की हुई सभी वस्तुएं आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने, अगर नहीं आप ग्रहण करना चाहते हैं तो आप चाहें तो अपने बहन भांजी को दे सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर आप खुद स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। माता रानी पे चढ़ी हुई सभी चीज़ें बहुत ही शुभ होती हैं, सौभाग्यशाली लोगों को इनका प्रसाद मिलता है। तो आप इस भाव से स्वयं ग्रहण करना चाहिए और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस तरीके से सभी देवताओं का विसर्जन करने के बाद थोड़े से चावल हम दीपक को भी अर्पित करेंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो दीपक हैं वो हमारी पूजा पाठ के साक्षी हैं। अब हम कलश की जो माला है उसको लेकर के माथे से लगाएंगे और इसको अपने
हाथों से लेकर के साइड से रख देंगे। अभी मैं बताऊंगी कि इन सब चीज़ों का फिर क्या करना है। और फूल माला के बाद हम नारियल को भी उठाएंगे और उनको भी अपने माथे से लगाएंगे। इसको कभी भी ज़मीन पर नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आप किसी बर्तन में रखें, लोटे पर रखें, या फिर आप ले करके माथे से लगा करके मंदिर में रखें। उसके बाद आप अगर कच्चा नारियल है तो आप उसको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, या फिर आप जो सूखा नारियल है उसको आप धो करके बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साइड से रख दीजिए। आप देखिए ये चावल हैं और चावल को हम जो ढक्कन का चावल है या और भी पूजा के चावल हैं उनको आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप चाहें तो किसी को दे दीजिएगा और या फिर आप पक्षियों को डाल दीजिए, या फिर आप किचन में भी अपने यूज कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप पक्षियों को डाल दें। पंचपल्लव हैं, पत्ते हैं, उनको हम एक साइड से निकाल लेंगे और इस कलश को उठा करके हम माथे से लगाएंगे और किसी बर्तन पर इसको रखेंगे। ध्यान रखें हमें बिल्कुल भी ज़मीन में नहीं रखना है। और देखिए इस तरीके से हम इन्हीं पत्तों से लेकर के जल को पूरे घर में छिड़केंगे, जो मेंबर हैं उन पर छिड़केंगे, क्योंकि ये बहुत सारे मंत्रों का जल होता है और बहुत सारे देवी देवता इसमें आकर के समाहित होते हैं। माता रानी का एक शक्ति स्वरूप है और आशीर्वाद स्वरूप है ये जल। और देखिए आपको एक बात और बता दूं, यदि हमारे हरेली कलश से ऊपर जाते हैं यानी बड़े बनते हैं, कलश हमारा ढक जाता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इस जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा और जो भी जल बचता है आप उसको क्यारी में डाल दीजिए, इधर उधर ना फेंकें, ध्यान रखें। और जो कलश के अंदर हमने हल्दी की गांठ, सिक्का डाला है या फिर जो भी कमलगट्टा डाला है, आप उसको अपने सिक्के को सिंदूक में रख लीजिए, तिजोरी में रख लीजिए, बहुत ही शुभ होता है। और हल्दी की गांठ है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किचन में प्रसाद स्वरूप में। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को इधर उधर ना फेंकें। आप चाहें तो इन हरेलों को विसर्जित कर दीजिए, आप चाहें तो किसी जानवरों को खाने के लिए दे दीजिए, या फिर आप चाहें तो इनको मिट्टी में रख दीजिए, बाद में ये डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाएंगे। जहाँ तक हो आप ऐसी जगह रखिए कि पॉल्यूशन किसी भी प्रकार का ना हो। और इसी तरीके से और भी जो सामग्री हैं, जैसे फूल माला हैं या बाकी के दिन की पूजा पाठ का जो भी सामान है, हवन की जो बाकी की राख बचती है, तो उसको जो भी है आप चाहें तो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप मिट्टी में साइड से रख दीजिए, बाद में वो मिट्टी में मिल जाएगा। आप उन सब चीज़ों को, पूजा की चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें, पैरों के नीचे किसी के ना आए इस बात का विशेष ध्यान रखें और ना ही कोई किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन फैलाएं। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया पर, अपने रिलेटिव्स में, जिससे और भी माता के भक्त अपने पूजा पाठ के बाद विसर्जन करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ बताया है, फिर भी बहुत कुछ रह जाता है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहती हो, तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। अब हम इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता की।